हेलो स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और आज की इस क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर है वो बेसिकली आपका जून से पहले जो लॉकडाउन के अंदर क्लासेस लगी थी ऑनलाइन उसमें कंप्लीट हो चुका है। सो बेसिकली हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो थर्ड है वो है हमारा स्फीयर्स एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर थर्ड जो हमारा है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड चैप्टर है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, वो क्या रहेगा कि हमें स्क्वायर लर्न होनी चाहिए। 1 to 9, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर हुआ? अब इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, सिंपल है। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 है, 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 है, 36 का स्क्वायर रूट 6 है। अब आप ये चेक करें कि सपोज दैट कि आपके पास कोई वैल्यू ये है 362, और अगर मैं ये कहूं कि आप इसका क्या फाइंड करो, स्क्वायर फाइंड करो। स्क्वायर फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि 362 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 360 into 362 करेंगे, प्रोसेस यही है सिंपल। अब हमें क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपको एक वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू का आपको स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट विदाउट स्क्वायर आपको उसका यूनिट प्लेस डिजिट बताना है कि यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, What will be the unit place digit after squaring of following number? क्वेश्चन को carefully read करना है। क्वेश्चन क्या है, What will be the unit place digit after squaring of following numbers? So basically, अगर मैंने आपको ये कहा कि 36 का square करना है, तो इसका unit place क्या आएगा? तो एक direct trick है, यहाँ पे last में देखो क्या है, 6 है ना, यहाँ पे check करो आप, 6 का square करेंगे तो last में value क्या आएगी, 6 ही आएगी। तो unit place digit क्या रहेगा, unit प्लेस डिजिट आपके पास क्या है, 6 रहेगी। क्लियर हुआ? यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या है, 6 रहेगा। सो बेसिकली इसी से रिलेटेड आपके बुक के ही एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ, बोर्ड पे मैं मेंशन नहीं कर सकता टोटल वैल्यू, तो आप बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अब हम बुक का क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपके बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट है आपके पास 24, हमें 24 का यूनिट प्लेस डिजिट राइट करना है विदाउट स्क्वेयरिंग, यानी कि हमें इसके कैलकुलेट नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेशन हमें इसका आंसर मेंशन करना है, यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो आप लास्ट डिजिट को चेक करो, 4 है, अगर 4 का स्क्वेयर करें तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। सो हम कह सकते हैं अगर 24 का स्क्वेयर करें तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा आपके पास, 6 होगा। सिंपल है, यूनिट प्लेस डिजिट किस बेस पर आप मेंशन कर सकते हैं,
ये आप चेक करें कि डिजिट में लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है। सो नेक्स्ट इसी का 17 है, 17 का स्क्वायर करें तो आप लास्ट में चेक करो यहां आपके पास क्या है, 7 है, यहां भी आपके पास 7 है, तो 7 का यूनिट प्लेस क्या है, वंस पे वैल्यू क्या है, 9 है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट 9। सो बेसिकली आप ही की बुक से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास 1023 है शायद, क्वेश्चन है इसी का 1023, हमें इस वैल्यू का यूनिट प्लेस डिजिट बताना है विदाउट स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 3 है, यहां 3 चेक करें, 3 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, सिंगल है 9 है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट 9। क्लियर हुआ, जैसे आपकी एक वैल्यू और है 12796, इसका हम स्क्वेयर करना है और इसकी यूनिट प्लेस डिजिट बताना है आपको कि अगर इसे स्क्वेयर करें तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लास्ट में चेक करो क्या है आपके पास 6 है, यहां भी आपके पास 6 है, 6 का स्क्वेयर करने पर लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो हमारा आंसर रहेगा यूनिट प्लेस डिजिट 6। क्लियर हुआ, सो बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे रिलेटेड अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें इसी बुक का, इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सो बेसिकली हमें जो ये नंबर्स हैं इनकी क्या फाइंड करनी है, स्क्वायर फाइंड करनी है। जैसे आपको क्वेश्चन है 12, आपको 12 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 12 × 12 करेंगे और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा 144। अब जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया है वो इसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूं। स्क्वायर करने का मीन हुआ कि आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144। अब अगर मैं आपसे यहां कहता कि विदाउट स्क्वायर आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है तो आप क्या करते, 2 को चेक करते, 2 का स्क्वायर यहां क्या है आपके पास 4 है, और यहां आप चेक करें यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है 4 है, तो 12 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा 144। इसी में एग्जांपल सेकंड करते हैं कि हमें 18 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बेसिकली आप 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 18 से, आपका आंसर क्या रहेगा 324, यानी कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर रहेगा। सो ये तो है आपका कॉन्सेप्ट सिंपल। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है यूनिट प्लेस डिजिट, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है स्क्वायर, और जब आपको स्क्वायर फाइंड करना हो तो जो वैल्यू आपको गिवन है उसे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका स्क्वायर का आंसर आएगा। जैसे हम इसी में एग्जांपल और करेंगे कि हमें स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे आपकी बुक का एग्जांपल है 11 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो 11 इंटू क्या होगा 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। सो बेसिकली आज की क्लास में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, विदाउट स्क्वेयरिंग यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, और सेकंड है आपको स्क्वायर करके उसका आंसर मेंशन करना है कि स्क्वायर करने पर उसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर 3 डिजिट की वैल्यू का हम स्क्वायर करें, 107 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 107 इंटू क्या होगा 107, इसे आप रफ वर्क करेंगे तो आपका आंसर आएगा 114 and 49, यह आंसर आएगा 11449, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा, यानी कि 11449 इस क्वेश्चन का आंसर है। सो ये आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।